हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया वन में। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा भीम ऐप से पैसे किसी को कैसे भेजते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सीखिए। वैसे तो दोस्तों, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बता रखा है UPI ID कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे भीम ऐप के मदद से आप किसी को भी पैसे कैसे भेज सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड गाइस, आपको बता दूं, चैनल पे नए हो तो आपको इस वीडियो के नीचे लाल बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे नई नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको भीम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए हम भीम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भीम ऐप आपके सामने ओपन होके आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों, ये ऐप हमसे पासकोड डालने को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम अपना पासकोड डालते हैं। तो यहाँ पे हमने इस एप्लीकेशन में पासकोड डाल के इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों, सबसे ऊपर आपको बैंक अपना दिखता है। अब जो भी बैंक यहाँ पे इस एप्लीकेशन से लिंक करके रखते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो अब बात आता है पैसे आप किसी को कैसे भेज सकते हैं। तो गाइज, आपको बता दूं, यहाँ पे पैसे भेजने के दो तरीके हैं। एक तो आप किसी का अकाउंट नंबर या फिर UPI ID डालकर पैसे भेज सकते हो, या फिर मान लीजिए आप किसी दुकान पे शॉपिंग वगैरह करने गए और आप उसको QR कोड के जरिए पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, यानी स्कैन वाले ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अलाउ का बटन आता है, तो अगर आपने पहले से परमिशन दे रखा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैन करने के लिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड गाइज, आप जिसको भी पे करना चाहते हो उसका QR कोड यहाँ पे स्कैन करोगे, देन आप यहाँ से पैसे उनको सेंड कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है यहाँ पे किसी को पैसे भेजने का, वो है गाइज किसी का अकाउंट नंबर डालकर, या फिर आप किसी का UPI ID डालकर पैसे भेजना चाहते हो या मोबाइल नंबर के जरिए पैसे भेजना चाहते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, फेवरेट का, कॉन्टैक्ट्स का, और यहाँ पे अकाउंट प्लस IFSC है। तो आप किन माध्यम से पैसा भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के UPI ID को डालकर पैसे भेजना चाहते हैं, तो आपको सिंपली उसका यहाँ पे UPI ID डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करके, वेरीफाई करके आप उनको पैसे सेंड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो तरीका है, कॉन्टैक्ट के जरिए आप पैसे भेजना, किसी का मोबाइल नंबर डालकर अगर वो भीम यूज़र होंगे तो उसका यहाँ पे ID आ जाएगा, देन आप पैसे भेज सकते हो। तीसरा सबसे आसान तरीका है, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड के जरिए पैसे भेजना। तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जिनको भी पैसे भेजना चाहते हो उनका यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिनको पैसे भेज रहा हूँ उनका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से आपके सामने पेज आ जाते हैं। सबसे ऊपर तो आपको IFSC कोड डालना है, तो IFSC कोड में ये जो 5 अंक है ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है, उसके बाद जो अंक होगा आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे उसका IFSC कोड डालते हैं जिसको हम पैसे भेज रहे हैं। उसके बाद आपको उसका नाम डालना है जिनको आप पैसे भेज रहे हैं, या फिर जिनका अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद तीसरे बॉक्स में आपको अकाउंट नंबर डालना है, और अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको फिर से अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है। उसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। ये सभी कुछ डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने उसका नाम आ जाता है जिस भी पर्सन को आप पैसे सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है। तो अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट अकाउंट का ऑप्शन आता है। तो आपके अगर भीम UPI में 2 बैंक है या 3 बैंक है, तो आप यहाँ पे उस बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो जिन बैंक से आप किसी को पैसे सेंड कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे पास इस भीम ऐप में फिलहाल हमने एक ही बैंक ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आ चुका है। उसके बाद आपको जिनको आप पैसा भेज रहे हैं उनको यहाँ पे कुछ मैसेज भी उस भुगतान के साथ सेंड कर सकते हैं, रिमार्क्स जिसे कहते हैं।
तो ये ऑप्शनल है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। और नीचे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है ऐड टू फेवरेट, इसको अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको पैसे सेंड करोगे तो फिर से आपको इनका डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट में ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद ये सभी कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेंड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना UPI पिन डालना है जिसके माध्यम से आप ये भुगतान करोगे। UPI पिन डालने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ से पेमेंट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग में है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जिनको पैसे सेंड किया था वो चला गया है और कुछ इस तरह से ग्रीन आइकन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे लिख चुका है मनी सेंट।